सुहाई अली अब्रो को मैं काफी अरसे से मिस कर रहा था कि एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, बीच में एक शो में, एक कॉमेडी शो में छोटा सा कैमियो करना, गंदी सी एक्टिंग करना, चले जाना, तो मुझे लगता था यार ये मूवी की स्टार थी और ये क्या करने लग गई हैं, कोई ड्रामा भी इसे खास नहीं मिल रहा। लेकिन शुक्र है कि अब वो एक ड्रामे के जरिए अपना कमबैक करने जा रही हैं। उन्होंने खुद अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने इस ड्रामे के सेट को ज्वाइन कर लिया है और वो इस ड्रामे में आपको अपना एक किरदार अदा करती नजर आएंगी और अच्छा खासा किरदार होगा, ना कि इसमें भी वो आपको कैमियो करती नजर आएंगी। लास्ट टाइम वो हमें ARY डिजिटल के ड्रामे प्रेम गली में नजर आई थी फरहान सईद के ऑपोजिट। तो अब तकरीबन 2-2.5 साल के एक वक्फे के बाद, एक ब्रेक के बाद वो अपना कमबैक करने जा रही है। तो बात करें इस ड्रामे की, तो इसका नाम होने वाला जेंटलमैन। जैसे कि मैं आपको जेंटलमैन की इनिशियल वीडियोज में बता चुका था कि हुमायूं और यमुना के अलावा आपको 2 से 3 और बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पता है कि इसकी मुकम्मल स्टारकास्ट की बात करें तो हुमायूं और यमुना के अलावा जाहिद अहमद, अहमद अली भट्ट, सुहाई अली अब्रो और साथ में हमें खालिद अनम भी देखने को मिलेंगे। तो हुमायूं के अलावा भी 2-3 बड़े नाम और आ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक आध अभी और बड़े एक्टर की अनाउंसमेंट होनी है, सुहाई की तरह या जाहिद की तरह, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी इसकी शूटिंग फुल स्विंग से जारी है। मैं मंटू नहीं हूं की शूटिंग को एक दफा रोका गया है और उम्मीद है कि ड्रामा में नवंबर तक देखने को मिल जाएगा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। जेंटलमैन के राइटर की बात करें तो इसके राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब होने वाले हैं और इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हाइसम हुसैन होने वाले हैं। ये ड्रामा नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बन रहा है। 15 से 20 एपिसोड के दरमियान ये ड्रामा मुश्तमिल होगा, इससे ज्यादा इसके एपिसोड्स नहीं होगी। और ये ड्रामे की स्टोरी जो है वो व्हाइट कॉलर क्राइम पर बेस्ड होगी, किस तरह सूटेड बूटेड जो गुंडे हैं, जो अथॉरिटीज में हैं और हमारे मुल्क को खोखला करते हैं, जो गुंडे लगते नहीं बजायर लेकिन अंदर से वो हमारे मुल्क को खाए जा रहे हैं, उनके बारे में ये स्टोरी होने वाली है। इसमें हमें मजा और तंज दोनों चीजें और एक अच्छा सोशल मैसेज भी देखने को मिलेगा। बाकी आप जरूर बताइएगा कि हुमायूं और यमुना तो इस ड्रामे में है ही, मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको पहले भी उनके बारे में बता चुका हूं कि वो इस ड्रामे में है और वैसे भी हुमायूं ने सेट को ज्वाइन कर लिया है, वो भी मैंने आपको ऑफिशियली बता दिया था, एक BTS दिखा दिया था। तो अब सुहाई ने इसके सेट को ज्वाइन किया है, वो भी इसकी कास्ट में आ गई है, तो मेरा बेसिक फोकस उन पे था। बाकी अब इतनी बड़ी स्टारकास्ट होगी, आप इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं या आप इस ड्रामे का वेट किसके लिए कर रहे हैं? सुहाई के लिए, हुमायूं के लिए, यमुना के लिए, जाहिद अहमद के लिए, अहमद अली भट्ट के लिए? खलील साहब ने इसे लिखा है तो कहानी अच्छी होगी, डायलॉग्स अच्छे होंगे उनके लिए। हाइसम हुसैन एक बड़े और अच्छे डायरेक्टर हैं उनके लिए, या फिर ग्रीन का ड्रामा है और स्टोरी यूनिक होगी, आप इसलिए वेट कर रहे हैं? तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।